कोलकाता के आर्चिकर मेडिकल अस्पताल में 31 साल की डॉक्टर से रेप और बलात्कार मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अब बहुत हो गया, वो इस पूरी घटना से निराश और भयभीत हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि बेटियों के खिलाफ ऐसे अपराध मंजूर नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ है जब राष्ट्रपति ने इस घटना पर बयान दिया। उन्होंने देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध की बड़ी घटनाओं को लेकर कहा है कि कोई भी सभ्य समाज बेटियों और बहनों के साथ इस तरह के अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस घटना पर कोलकाता में छात्र, डॉक्टर और नागरिक प्रोटेस्ट कर रहे थे, जबकि अपराधी कहीं और घूम रहे थे। अब बहुत हुआ, समाज को ईमानदार होने और आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। राष्ट्रपति ने लिखा है कि पिछले साल महिला दिवस के मौके पर मैंने एक न्यूज़पेपर आर्टिकल के जरिए अपने विचार और उम्मीदें साझा की थी। महिलाओं को सशक्त करने की हमारी पिछली उपलब्धियों को लेकर मैं सकारात्मक हूं। मैं खुद को भारत में महिला सशक्तिकरण की इस शानदार यात्रा का एक उदाहरण मानती हूं। लेकिन जब भी मैं देश के किसी कोने में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के बारे में सुनती हूं, तो मुझे गहरी पीड़ा होती है। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी बच्चियों के प्रति ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके रास्तों से बाधाएं हटाएं और उन्हें आज़ादी दिलाने में मदद करें। तभी हम रक्षाबंधन पर पूछे गए बच्चों के मासूम सवालों का ठोस जवाब दे पाएंगे। हमें मिलकर कहना होगा, बस बहुत हुआ।